दोस्तों, ज्ञान ट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस प्रकार का भी इंश्योरेंस होता है। सो दोस्तों, कृपया मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ आए कि इंश्योरेंस क्या है। तो आइए हम इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। इसको हम अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो इंश्योरेंस का अर्थ होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई भी एक बीमा कंपनी आपके किसी प्रकार का नुकसान, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु में आपका आपको मुआवजा देने के लिए गारंटी देता है। सो, वैसे तो इंश्योरेंस मदद करता है हर दुखद घटना के बाद, पर यह हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज के इस भीड़ भाड़ वाले जीवन में कब क्या हो जाए किसे पता। ऐसे में अगर आपने अपने मूल्यवान चीज़ों का इंश्योरेंस सही तरीके से किया है तो यह आपके लिए बहुत ही बैकअप हेल्प के जैसा है। हम आपको इसके विषय में आगे बताएंगे, कृपया इसे ध्यान सुनें। बीमा के प्रकार और उनके फायदे के साथ, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस विद बेनिफिट। अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस या बीमा के अलग अलग फायदे होते हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण इंश्योरेंस टाइप्स और एडवांटेज का वितरण देने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। फर्स्ट, जीवन बीमा योजना क्या है और इसके फायदे क्या हैं। सॉरी, जीवन बीमा योजना क्या है और इसके फायदे क्या है। जीवन बीमा योजना या लाइफ इंश्योरेंस में एक स्मॉल मूल्य जमा करके पॉलिसी किए हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, पर उस व्यक्ति के पॉलिसी के नॉमिनी को दिए हुए पॉलिसी के नियमों और शर्त के अनुसार पैसे दिए जाते हैं। ये पॉलिसी लोग खासकर अपने परिवार के लिए छोड़ जाते हैं क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। ज़्यादा लोग इस पॉलिसी को अपनाते हैं ताकि उनके जाने के बाद उनके परिवार को कुछ हद तक पैसे के मामले में मदद मिल सके। पॉइंट टू, दुर्घटना बीमा योजना। सॉरी फ्रेंड, दुर्घटना बीमा योजना एक्सीडेंट बेनिफिट पॉलिसी में भी आप एक स्मॉल मूल्य जमा करके पॉलिसी किए हुए व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए जाने पर उस पॉलिसी होल्डर व्यक्ति को चोट लग जाने, विकलांग हो जाने पर किए हुए पॉलिसी के नियम और शर्त के अनुसार अस्पताल खर्चा और मूल्य जाने मृत्यु हो जाने पर राशि दी जाती है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें आपके दुर्घटना हो जाने पर आपको किसी प्रकार का खर्च नहीं उठाना पड़ता। इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी सारा खर्चा उठाती है, पर अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग टर्म्स होते हैं जिन्हें पढ़कर एक पॉलिसी करवानी चाहिए। और चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा योजना, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस। चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस में भी आप एक निर्दिष्ट मूल्य जमा करके पॉलिसी किए हुए व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी मामलों में, जैसे किसी बीमारी अस्पताल में दाखिल होना, दवाई और खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा आदि इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी करती है। ये पॉलिसी बहुत ही आवश्यक है क्योंकि प्रतिवर्ष हर किसी व्यक्ति को थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे में यह पॉलिसी होल्डर कंपनी एक साल में कुछ भी रेगुलर चेकअप का खर्चा उठाती है। आजकल के खाने पीने के कारण तबीयत कब खराब हो जाए कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही मददगार साबित हो जाती है। फोर्थ, वाहन बीमा योजना, व्हीकल इंश्योरेंस। अगर आपके पास अपनी कार, मोटर साइकिल या कोई अन्य वाहन हो तो वाहन बीमा योजना यानी व्हीकल इंश्योरेंस आपके लिए ज़रूरी है। इस प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी गाड़ी की दुर्घटना या चोरी हो जाने पर मददगार साबित होती है। लेकिन कुछ वाहन बीमा योजना थर्ड पार्टी पॉलिसी भी की जाती है जिसमें गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर या पैदल चलने वाले लोगों का इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। इस पॉलिसी का करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यह हमारे घर के मूल्यवान चीज़ों में से एक यानी वाहनों के लिए किया जाता है। आजकल तो छोटे मोटे दुर्घटना होते ही रहते हैं, ऐसे में भी इन वाहनों पर अधिक खर्चा होता है। अगर आपका वाहन पॉलिसी इंश्योर्ड है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप अपने वाहन के छोटे मोटे क्षतिग्रस्त के लिए इंश्योरेंस कंपनी देने वाली कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, घर की बीमा, गृह बीमा इंश्योरेंस। घर की बीमा यानी होम इंश्योरेंस में भी जो इंश्योरेंस किया जाता है उसमें घर के बिल्डिंग का सामान स्ट्रक्चर के अनुसार पॉलिसी बनाई जाती है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी घर का या घर के सामान दोनों चीज़ों का डैमेज होने पर खर्च वहन करती है। यह बीमा घर में गिरे जाने या कोई दुर्घटना हो जाने, सामान के चोरी हो जाने, जल जाने, किसी भी ऐसी असुविधा में काम आती है जिसमें घर या अंदर रखे सामान का नुकसान हो गया हो। पॉइंट सिक्स, यात्री बीमा, ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आपको अकेले या अपने परिवार के साथ कहीं ट्रैवल करना हो तो ऐसे में यात्रा बीमा या ट्रैवल इंश्योरेंस करना
अच्छा साबित हो सकता है। ऐसे में यात्रा में देरी होने या कैंसिल हो जाने, यात्री के दौरान दुर्घटना हो जाने, इंश्योरेंस कंपनी हानि के रूप में वहन करती है। पॉइंट सेवन, फसल योजना, फसल बीमा, क्रॉप्स इंश्योरेंस। अगर आप एक किसान हैं तो प्रति वर्ष आपको अपने फसल का बीमा जरूरी करवाना चाहिए। मौसम का क्या भरोसा, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, किंतु अगर आपकी फसल का बीमा करवाए तो आप बिना कोई चिंता खेती कर सकते हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो किसी अन्य वर्ष कारणवश आपका फसल तबाह हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी नुकसान की भरपाई करती है। अगर आपको इंश्योरेंस या बीमा से जुड़ी यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आपको समझ ज़रूर आ गया कि इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट है, किस टाइप्स के होते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और लाइक करना चाहते हैं लाइक कर सकते हैं। और एक आपसे एक रिक्वेस्ट और भी कर सकता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लाल रंग का सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और आने वाले समय में इससे बढ़िया अपडेट्स आपके पास मिलते रहेंगे। जो सब्सक्रिप्शन बटन के साथ एक बेल रिंग का आइकन हुआ उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको अलर्ट मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।